हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक देखिए सीपी प्लस का अडॉप्टर आया है बनने के लिए, और यह दोस्तों सीसीटीवी कैमरा में यूज होता है। ठीक है, यह दोस्तों 12 वोल्ट का अडॉप्टर है। देखिए यहां से देखिए दोस्तों एल और एन, तो एन में न्यूट्रल और एल में दोस्तों फेज। ठीक है, इसमें दोस्तों सप्लाई दी जाता है, आपको दिखा देते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और यह दोस्तों कॉमन है, तो कॉमन माने मतलब दोस्तों हमारा होता है माइनस सप्लाई यानी नेगेटिव, और प्लस भी यानी दोस्तों इसमें पॉजिटिव सप्लाई आउट करेगा। तो यह दोस्तों खराब हो चुका है और यह हमारे पास बनने के लिए आया है, और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें सप्लाई आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, और यह दूसरे मैकेनिक के पास से हमारे पास बनने के लिए आया है। कोई और इसको बना रहा था तो उनसे यह नहीं बन पाया है, और उन्होंने यह कैपेसिटर बदल दिया है। देख लीजिए, इसमें 100 μF 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, यही दोस्तों यह कैपेसिटर इसमें चेंज किए हैं, फिर भी दोस्तों यह चालू नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों आपको खोल के दिखाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों इसका पावर सप्लाई अडॉप्टर। ठीक है, तो दोस्तों यह कैपेसिटर हमारा चेंज किया हुआ है। ठीक है ना, तो हम इसको खोलते हैं, और खोलने के बाद हम भी दोस्तों इसको चेक करेंगे कि आखिर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है क्या और इसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर यह फ्यूज लगा हुआ है, तो हो सकता है फ्यूज भी जला हुआ होगा या डायोड भी दोस्तों हमारा शॉर्ट होगा, जिसके कारण दोस्तों हमारा कैपेसिटर खराब हो चुका है। और यह कैपेसिटर दोस्तों जब हम भी चेक किए हैं तो यह कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, इसको ऊपर से देखिए दोस्तों थोड़ा सा फूला हुआ नजर आ रहा है, देख लीजिए ऊपर से खुदखुदा हो गया, फूला हुआ है, फट गया है हो सकता है कि। लेकिन दोस्तों जब हम इसको मीटर से चेक किए तो यह दोस्तों हमारा शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, तो चलिए कैपेसिटर तो बदला हुआ है ले है, तो दोस्तों इसको खोलते हैं और चेक करेंगे अच्छी तरह। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का टेक्निकल वीडियो आप हमेशा देखते रहें, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल जरूर कीजिए। जब नोटिफिकेशन ऑल कीजिएगा तभी आपको नए वीडियो का मैसेज दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, और आप वीडियो देख सकिएगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों दिखाते हैं। तो खोलेंगे कहाँ, देखिए दोस्तों एक नट हमारा यहाँ है, यह खोलेंगे, फिर दोस्तों यहाँ से यह नट खोलेंगे, देखिए कैबिनेट में कसा हुआ है, फिर दोस्तों यहाँ पर यह दो गो नट है, यह दोनों को दोस्तों खोलेंगे तब दोस्तों यह किट बाहर निकलेगा। तो चलिए हम खोल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको खोल दिए हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों यह बाहर निकल चुका है ये पावर सप्लाई। चलिए इसका कैबिनेट हटा देते हैं, इसका सारा नट हटा लेते हैं, और अब दोस्तों हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा सप्लाई दिया जाता है, तो हम इसमें सप्लाई देंगे और दोस्तों सीरीज सप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीरीज बोर्ड से सीरीज सप्लाई इसको देते हैं। तो इसमें दोस्तों हम एक एसी मेन कोड का तार जोड़ देते हैं और इसमें सीरीज सप्लाई देंगे। आप भी दोस्तों ध्यान से देखिए और वीडियो को स्थिर से देखिए कि कैसे इसको हम रिपेयर कर रहे हैं, और वीडियो को स्थिर से देखिएगा दोस्तों, तभी आप संपूर्ण रूप से दोस्तों समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो हो गया, अब चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें सप्लाई भी दे दिए हैं सीरीज बोर्ड से, मीटर को हम एसी मोड में सेट कर देते हैं, और सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो है सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप मीटर को ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर सप्लाई लाइन आ रहा है। ठीक है, और यह सप्लाई लाइन दोस्तों हमारा यहाँ और यहाँ और यहाँ की और यहाँ के बीच में दोस्तों देखिए यहाँ पर और यहाँ से बीच में फ्यूज लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है, देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँच रहा है। यहाँ दोस्तों हमारा PF लगा हुआ है जो लाइन को पार करता है, जिसको लोग NTC कहते हैं। देखिए तो यह NTC दोस्तों डायरेक्ट लाइन यहाँ पर पार कर देगा, और यह फ्यूज है, तो फ्यूज पर दोस्तों देखिए हमारा सप्लाई यहाँ नहीं टपा रहा है, यानी फ्यूज हमारा दोस्तों खराब हो चुका है। तो दोस्तों हम इसको शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट जब करेंगे इस फ्यूज को, तो देखिए हम शॉर्ट करने के लिए दोस्तों इस किस्म का मीटर का एक प्रोड हम लिए हैं, और इसको दोस्तों ऐसे शॉर्ट करेंगे। जब शॉर्ट करेंगे तो अगर आगे शॉर्ट होगा तो सीरीज बल्ब हमारा जल जाएगा,
अगर शॉर्ट नहीं होगा तो सप्लाई हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों हम शॉर्ट करने पर सीरीज बल्ब हमारा जल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं सीरीज बल्ब। ये देखिए दोस्तों हम सीरीज बल्ब यहाँ पर लगाए हुए हूँ और देखिए दोस्तों हम इसको शॉर्ट करते हैं फ्यूज को। तो देखिए दोस्तों फ्यूज को शॉर्ट करने पर दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब जो है जल रहा है, यानी दोस्तों इस किट में आगे शॉर्ट लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शॉर्ट को चेक करेंगे, इसको हम प्लग पिन से बाहर निकाल देते हैं और इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो शॉर्टिंग के लिए दोस्तों आगे चेक करते हैं, तो मीटर को दोस्तों हम कंटिन्यूटी मोड में सेट करेंगे, ठीक है, और जब शॉर्ट रहेगा तो यह मिस्टर में से सीटी की यह आवाज़ आएगा और ऐसे दोस्तों मीटर में हरकत होगा। तो सबसे पहले फ्यूज को चेक करते हैं, अगर फ्यूज सही रहेगा तो सीटी की आवाज़ आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा सीटी की आवाज़ नहीं आ रहा है, हमारा जो है फ्यूज खराब हो चुका है। और एनटीसी देखते हैं दोस्तों, एनटीसी पीएफ, यह देखिए दोस्तों हमारा पीएफ सही है, इसमें से सीटी की आवाज़ आ रहा है। तो एक सप्लाई हमारा यहाँ आ रहा है और दूसरा सप्लाई दोस्तों हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसमें दोस्तों हमारा फ्यूज खराब हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आगे यहाँ पर ब्रिज टाइप डायोड लगे हुए हैं, तो यह ब्रिज टाइप डायोड को दोस्तों हम चेक करेंगे कि कौन सा डायोड हमारा शॉर्ट कर रहा है, कि आगे किसी प्रकार के कोई ट्रबल है। तो ये डायोड हमारा दोस्तों फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर है तो सही है, दूसरा डायोड दोस्तों देखिए यहाँ है, तो देखिए दोस्तों यह डायोड हमारा शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। ये जो डायोड दिखा रहा है इतना ही दोस्तों रेजिस्टेंस इस डायोड में भी बताना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यह डायोड हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। यह दूसरा डायोड शॉर्ट है, तीसरा, यह तीसरा डायोड भी दोस्तों हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है, और यह चौथा डायोड है। तो चौथा डायोड दोस्तों हमारा सही है, तो इसमें दूसरा और तीसरा यानी दो डायोड इसमें का शॉर्ट कर चुका है, ये और ये, इसलिए दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है, क्योंकि सप्लाई रिटर्निंग करके वापस भेज दे रहा है। तो यह दोनों डायोड को दोस्तों हम निकालेंगे और नींव लगाएंगे। यह डायोड का नंबर है दोस्तों RL207। तो चलिए हम इस डायोड को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये दोनों डायोड का हम रंगा हटा दिए हैं, चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यह दोनों डायोड को दोस्तों हम चेक कर लेते हैं एक बार पुनः, क्योंकि किट में से बाहर निकाल के भी चेक करना हमको जरूरी है। कभी कभी दोस्तों किट में शॉर्ट बताएगा, बाहर शॉर्टे नहीं दिखाएगा। यह देखिए दोस्तों यह शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है, दोनों साइड से यह दोस्तों शॉर्ट दिखाएगा, देखिए। तो यह डायोड दोस्तों खराब हो चुका है, यह भी दोस्तों देखिए शॉर्ट दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों यह दोनों न्यू डायोड हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों यह न्यू डायोड है और इस डायोड का नंबर है RL207। पहले भी दोस्तों यही नंबर का लगा हुआ था, तो हमारे पास सेम नंबर का हम दोस्तों लगा देते हैं। अगर दोस्तों आपके पास RL207 नंबर का डायोड नहीं है तो दोस्तों इसमें IN5399 डायोड लगेगा, सेम दोस्तों इतना ही मोटा डायोड होता है, IN5399 इसके जगह पर वह दोस्तों लगा सकते हैं। तो चारों डायोड को दोस्तों आप लगा दीजिए IN5399। तो दोस्तों इसमें दो गो RL207 लगा हुआ है, तो दो गो हम दोस्तों RL207 लगा देते हैं। दोस्तों बहुत गाड़ी आते जाता रहता है, इसलिए साउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। देखिए दोस्तों हर डायोड में नेगेटिव पॉजिटिव है, ये उजला वाला जो आप धारी देख रहे हैं यह दोस्तों पॉजिटिव है और काला वाला नेगेटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे तब दोस्तों यह सही बैठ पाएगा, अन्यथा दोस्तों उल्टा लगा देंगे तो यह डायोड पुनः जल जाएगा और पुनः हमारा सर्किट जो है शॉर्ट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें भी होता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखिए दोस्तों इसमें सिंबल किस किस्म का बना हुआ है। यह जो आप डबल घाड़ी देख रहे हैं यह दोस्तों हमारा पॉजिटिव का है और इस साइड भी दोस्तों पॉजिटिव है, और इधर वाला जो है सिंगल घाड़ी सिंगल धारी यह दोस्तों नेगेटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे। तो यह देखिए दोस्तों हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर लगाते हैं। यह देखिए दोस्तों यह नेगेटिव और पॉजिटिव में हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक डायोड और है तो ये दोस्तों उल्टा लगेगा, इस डायोड के विपरीत लगेगा, देखिए। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों डायोड यह नेगेटिव सप्लाई आउट करेगा और यह दोनों डायोड मिलकर दोस्तों यह पॉजिटिव सप्लाई आउट करेगा। तो अब दोस्तों हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर पुनः चेक करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, हम इसको सोल्डिंग कर दिए हैं। चलिए इसका जो फालतू का पिन है वह दोस्तों काट कर निकाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों नहीं काटेंगे तो शॉर्ट लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों। कैपेसिटर हमारा पहले से बदला हुआ हिले है। अब दोस्तों हम इसमें सप्लाई देते हैं और चेक करेंगे। तो दोस्तों हम इसमें सप्लाई दे दिए हैं। देखिए दोस्तों, हम इसमें सप्लाई दिए हुए हैं सीरीज बोर्ड से। सीरीज बल्ब हमारा यहाँ है। और दोस्तों अब हम इस फ्यूज को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यह फ्यूज हमारा जला हुआ था। अभी भी दोस्तों देखते हैं कि हमारा सीरीज बल्ब जलता है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है, हमारा प्रॉब्लम सही हो गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं। और अब हम दोस्तों इस फ्यूज को शॉर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्यूज को शॉर्ट किए तो सीरीज बल्ब हमारा नहीं जला, यानी हमारा सप्लाई चालू हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका फ्यूज जोड़ देते हैं। दोस्तों हम फ्यूज को कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए दोस्तों, यह मल्टी स्टैंड तार है, इसमें से एक तार हम लिए हैं और यही दोस्तों हम फ्यूज के जगह सोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि इस किस्म का फ्यूज हमारे पास नहीं है। तो इसको दोस्तों हम सोल्डिंग कर देंगे तो लाइन दोस्तों यह टपा देगा। ये हो गया, दूसरा छोर पर दोस्तों इसको सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों हम अभी सप्लाई काटे हुए हैं इसमें, तब दोस्तों हम सोल्डिंग कर रहे हैं। लाइन देने पर दोस्तों इसमें काम ना कीजिए, ना तो आपको करंट का झटका लगेगा। दोस्तों जब भी आप सोल्डिंग कीजिए तो लाइन कट कर काम कीजिए, प्लग पिन से बाहर निकाल कर। ये हमारा हो गया दोस्तों, देख लीजिए हमारा यहीं पर यह फ्यूज लगा हुआ था। तो इसको दोस्तों हम सोल्डिंग कर दिए। ये तो हमारा हो गया दोस्तों। चलिए इसमें सप्लाई देते हैं और अब डीसी सप्लाई देख लेते हैं कि हमारा आउट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डीसी सप्लाई दोस्तों ये देखिए, यह दो गो कॉमन है यहाँ पर दोस्तों, यह दो गो कॉमन लिखे हुए था और यह दोनों दोस्तों पॉजिटिव है। तो हम इसी पर दोस्तों चेक करेंगे और इसमें दोस्तों 12 वोल्ट की सप्लाई आउट करेगा। ठीक है, तो मीटर को हम डीसी मोड में सेट कर दिए हैं, इसमें हम सप्लाई भी दोस्तों दे दिए हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा सप्लाई यह दे रहा है, 12 वोल्ट आउट कर रहा है। ठीक है, 13 वोल्ट आ रहा है। अब दोस्तों यह सीसीटीवी कैमरा में हम लगा सकते हैं। यह सप्लाई दोस्तों सीसीटीवी कैमरा में ही यूज होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप अच्छी तरह सीख गए हैं इसको रिपेयर करना। यह दोस्तों एसएमपी पावर सप्लाई था और ख़राबी दोस्तों आप देख लिए हैं कि क्या क्या ख़राब था। इस कैपेसिटर ख़राब था, आरएल डायोड ख़राब था और दोस्तों यह फ्यूज ख़राब था। तो यह दोस्तों हमारा काम कर गया है, यह दोस्तों हमारा पावर सप्लाई सही हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम इसको अच्छी तरह कैबिनेट में कस देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। दोस्तों टीवी और डिश से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर दोस्तों देख सकते हैं, एक से बड़े एक वीडियो हमारे चैनल पर हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।